हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने DSSB मैथ के लिए प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें हमने आपको कल से एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम था DI, क्योंकि ये देखा गया है कि 20 में से 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 22 क्वेश्चन आर फ्रॉम DI, तो DI करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आज हमारी चल रही है Day 2। आज DI की कौन सी क्लास है? Day 2। अगर आप सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड करते हैं तो आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेगा और आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले आपको ये टेबल दे रखी है, हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस टेबल में क्या करना है आपको, ये कह रहा है कि कहा है क्वेश्चन, ये रहा कि केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण हिंदी में कहते हैं सेंट्रल एंगल। जैसे पाई चार्ट सुना है ना आपने, सबने सुना होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं कुछ, ये हर किसी के कुछ कोण होते हैं। मानो ये 90 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, सो ऑन। तो इन्हीं एंगल को कहते हैं सेंट्रल एंगल। तो कह रहे हैं सेंट्रल एंगल निकालना है, लेकिन इन सब में से किसका निकालना है? उसका निकालना है जो मध्य का हो। मध्य का मतलब मीडियन। अब क्वेश्चन का लेवल समझना, DI का मतलब ही होता है कि वो आपको चेक करना चाहता है कि आपको तीन टर्म मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों टर्म कितनी अच्छे से पता है वो। तो अब देखो, अगर मुझे पता हो कि इन सब में से किसका सेंटर एंगल निकालना है, तो सेंटर एंगल कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं। वैसे तो मैं इसे सॉल्व कर चुका हूं और मुझे तो पता है कि इस वाले का सेंटर एंगल निकालना है। क्यों? क्योंकि इसका जो मीडियन होगा वो ये आएगा। कैसे आएगा अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले सिखाता हूं सेंटर एंगल कैसे निकलता है। तो सेंटर एंगल कैसे निकलता है, जिसका सेंटर एंगल निकालना उसे ऊपर रखते हैं, सबको जोड़ के जो आएगा उसे नीचे रखते हैं, मैंने जोड़ रखा है, और गुणा करते हैं 360 डिग्री। तो सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि सेंटर एंगल कैसे निकलता है। कैसे निकलता है, जिसका सेंटर एंगल निकालना है उसे ऊपर रखेंगे और टोटल को, इन सब का टोटल जो आएगा उसे नीचे रखेंगे, गुणा 360। इसे सॉल्व करके देख लो, 0 से 0 गया, 4 से 10, 4 से 9, चलो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64 बटे 10, 64.8। हमारा आंसर आया 64.8। अब देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, निकटतम। तो 64.8 के निकटतम कौन आएगा? 65। तो आंसर समझ आ गया आपको क्या आएगा, 65। लेकिन आपका सबसे प्राइमरली क्वेश्चन यही होना चाहिए कि सर आपको कैसे पता चला कि ये मीडियन है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंटर एंगल उसका निकालना है जो क्या होगी, मीडियन। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो अब मैं आपको मीडियन निकालना सिखाता हूं सबसे पहले, ठीक है ना। ये टेबल मैंने यहां बना दी है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं और मीडियन निकालते हैं, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और यहां पे मीडियन निकालते हैं। देखो, मीडियन निकालने का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, सॉरी, मीडियन मतलब माध्यिका का फॉर्मूला होता है एल प्लस एच एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ। अब यहां पे सारी टर्म क्या होती है वो बतानी है हमें। हे राम। तो अब हमें सारी टर्म पता लगानी है कि ये सारी टर्म कैसे निकलती है। तो देखो, इस टेबल को कहते हैं एफ, एफ को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं आवृत्ति कह लो या बारंबारता। अगली टेबल निकालनी होती है सीएफ, सीएफ को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकलती है बच्चों? ये निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, इसको एज इट इज लिखो। अब इसमें ये ऐड कर दो और यहां लिखो, फिर इसमें ये ऐड कर दो और यहां लिखो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? फिर इसमें ये ऐड कर दो और यहां लिखो, फिर इसमें ये ऐड कर दो यहां लिखो, इसमें ये ऐड कर दो यहां लिखो। अब याद रखना कि इन
सबको फ्रीक्वेंसी के सबको जोड़ोगे तो वही नंबर आएगा जो इसका लास्ट नंबर होगा। ये आपको क्रॉस चेक करने में भी आसानी रखेगा। दो नंबर के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। अब आगे, अब आपको ये जो लास्ट नंबर होता है इसे कह लो या इसे कह लो, दोनों सेम ही है, इसी को एन कहा जाता है। फॉर्मूले में है एन बाय टू, वो कितना हो जाएगा 200। अब 200 के पास कौन सा नंबर है, देखो 200 के पास कौन सा नंबर है वो देखना है सीएफ में। सीएफ में 200 के आसपास कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है ये देखना है। 200 के आसपास कौन सा नंबर है ये, तो इस पूरी लाइन को प्रेस कर दो। समझ आ गया। अब इसमें L का मतलब होता है लोअर लिमिट, हिंदी में कहते हैं निम्न सीमा, और इसकी निम्न सीमा क्या है 110, तो L आ गया 110। ठीक। इसके बाद H होता है हाइट कह लो या क्लास साइज कह लो, क्लास साइज मतलब गैप कितने का चल रहा है, कितने का गैप चल रहा है 10 का, तो H आ गया 10। एन बाय टू पहले आ गया। अब बात आती है सीएफ की, देखो सीएफ वाली टेबल ये है, जिन्होंने फॉर्मूला दिया उन्होंने ये डिफाइन कर रखा कि सीएफ होगा इसके जस्ट ऊपर वाला, तो सीएफ कितना हो गया 148, सीएफ हो गया 148। अब क्या चाहिए, सिर्फ एफ, और एफ लोगे उसे ही जो इसमें आ रखी है फ्रीक्वेंसी टेबल में जो आ रखी है एफ। अब आपको सारी वैल्यू पता चल गई, यहां रखना है तो रख देते हैं। एल की जगह 110 जमा 10 गुणा 200 माइनस 148 भाग 72। इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना, चेक करते देखो, 110 जमा 10 गुणा याद आएगा 52/72, तो 110 अच्छा काट दो, काटोगे तो क्या देगा, पहले आ जाएगा 26, याद आएगा 36, 13 और 18, 9 और 5, 110 प्लस 65/9, एलसीएम आएगा 9, ये वैसे भी कर दो 9 7 63, उधर गया 2 18, तो 117.2, 117.2 किसकी तरह, 0.2 किसके बीच में आएगा, इधर आएगा 117.2 इधर आएगा ना, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 72। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। देखो मीडियन तो ये आ गया, मीडियन तो ये आ गया, क्या आ गया मीडियन, सॉरी क्या आ गया मीडियन माध्यिका, बहुत सोचो कितने, और ये पता है कब का क्वेश्चन है, 2018 पीआरटी का पेपर है, DSSSB। अब आप सोचो आपके में भी आएगा डेफिनेटली, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते तो आप ये दो नंबर सेक्रीफाइस करोगे, तो मीडियन आ गया 117.2। तो आप क्वेश्चन पे आते हैं अपने, आपको पता है मीडियन 117.2 का, 117.2 का, 117.2 तो इस वाले रेंज में आएगा, तो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था कि मीडियन वाले का सेंटर एंगल निकालो, तो मीडियन वाला कौन है 72, और 72 का सेंट्रल एंगल कितना आ गया 64.8। समझ आ गया, पूरी कोशिश करिए, नहीं समझ आया तो दोबारा देखें, और नहीं समझ आता तो फिर दोबारा पूछे। अगला क्वेश्चन सेम टेबल है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाला, डे वन में जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो इजी था, इजी आएगा तो दो अलग ग्राफ आ सकते हैं या दो अलग डाटा आ सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज, तो इसलिए दोनों में सेम टेबल यूज करिए ताकि एक ही कैलकुलेशन दो जगह इस्तेमाल हो। अब पूछ रहा है औसत, औसत का मतलब मीन कह लो, एवरेज कह लो, तो एवरेज कैसे निकलता है मैं उसी में समझाने की कोशिश करता हूं। चलो यही क्वेश्चन है, अब हमें ये समझने की कोशिश करना, स्किप नहीं किया जा सकता, याद रखना।
चलो अब बात आती है एवरेज की। एवरेज का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई यही से ही कहते हैं। सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकलता है? इनके बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू का मतलब है दोनों को जोड़ के भाग दो तो कितना आएगा, 170/2 यानी कि 85। हम डायरेक्टली भी कर देते हैं इसके बीच की वैल्यू, 85, 95, 105, 115, 125 और 135। इसको कहते हैं एक्स आई। अब एक टेबल बनाओगे जिसका नाम होगा एक्स आई एफ आई। उसमें क्या करोगे, इन दोनों को गुणा कर करके लिखोगे। उसमें क्या करोगे, इन दोनों को गुणा कर करके लिखोगे, ठीक है ना? तो गुणा करके जो आएगा यहां लिखते रहोगे। मैं नहीं कर रहा गुणा क्योंकि कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है ना? चलो मैं कर देता हूं, लेकिन नेक्स्ट 22 × 85 ये आ गया, इसमें आ गया 1870। फिर 95 × 64, 95 × 64 कितना आएगा, 6080। 105 × 62 यह आ गया 6510। ऐसे करके सबको, समेशन का मतलब है ऐड करना। तो अब ये जो सारी वैल्यू आएगी इन सबको ऐड कर दोगे और इन सबको ऐड करके जो आएगा इसे लिखते हैं समेशन एक्स आई एफ आई। इसे ऊपर रखना, ये जो वैल्यू आएगी इसे ऊपर, मानो ये वैल्यू आ गई, इसे ऊपर रखना, इसे डिवाइड करना है सम एड ऑफ एफ आई। एफ आई ये रहा और एफ आई को जोड़ के कितना आएगा, 400। और ये 400 आपको पहले ही पता चल गया था पहले वाले क्वेश्चन में। तो नीचे क्या रखना, 400, और भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज। हालांकि ये सबसे बेसिक मेथड है एवरेज निकालने का। इसके बाद तीन दो मेथड और होते हैं। एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन मेरे हिसाब से पहले आप इसमें कमांड बनाओ। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो डी आई ये 2018 की है, ठीक है ना? 18 में ऐसी आई है तो अब तो आ ही सकती है ऐसी, ठीक है? तो कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है।